नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। मैं हूं अविनाश शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे मोल्डिंग के बारे में। जो हमने POP मोल्डिंग जो थी वो शटरिंग के ऊपर बनाई थी, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा और अभी भी आप जो है वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो POP मोल्डिंग है, हमने इसे शटरिंग के ऊपर बनाया और किस तरह से हमने जो है वो स्लैब कास्टिंग करते समय जो है वो इस POP मोल्डिंग में किस तरह से कॉन्क्रीटिंग की, और शटरिंग निकलने के बाद जो है वो POP मोल्डिंग किस तरह से निकलता है, और जब हम उसको प्लास्टर करते हैं तो उसके बाद जो है वो बाहर छज्जे के फ्रंट में जो है वो POP मोल्डिंग जो है वो किस तरह से दिखती है, उसके बारे में जो है वो डिटेल में जानकारी दूंगा। इसी के साथ जो है वो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से जो है वो मोल्डिंग बनाई जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो सीमेंट के साथ ही शटरिंग के ऊपर मोल्डिंग बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा और काफ़ी समय जो है वो इसमें लग जाता है। लेकिन POP मोल्डिंग से क्या होता है दोस्तों कि ये आसानी से बन जाती है, शटरिंग निकाली जाती है, उसके बाद आपकी मोल्डिंग में जो फिनिशिंग आती है कंक्रीट के सरफेस पर, जो फिनिशिंग आती है और जिस तरह की हमने मोल्डिंग जो है वो बनाई थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मोल्डिंग बनती है और काफ़ी सफाई जो है उसमें देखने को मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप भी घर बना रहे हैं और मोल्डिंग बनाना चाहते हैं। साथियों, शुरुआत करेंगे शुरू से। पहले शटरिंग की गई। हमेशा जब मोल्डिंग बनाई जाती है तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर मोल्डिंग बनाई जाएगी वहाँ का सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। शटरिंग में शटरिंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, एक अलाइनमेंट रहे उनमें, आपस में किसी भी तरह का कोई भी ऊपर नीचे बोर्ड ना हो, और जहाँ जॉइंट है वहाँ पर आपकी जो शीट बनाई जाती है, जो फर्मा होता है वो ना फंसे। इसके लिए जो है वो आपको जॉइंट को आपस में अच्छे तरीके से मिलाना है। अब POP को मिक्स किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है, जैसा कि आप ईंटें ले सकते हैं, POP के पीछे कुछ मटेरियल जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि उसमें POP जो है वो आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। POP ज़्यादा लगेगा तो उसमें खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर हम आपको बजट में बहुत ही कम पैसों में जो है वो मोल्डिंग किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो वेस्ट मटेरियल लगाएंगे पीछे, उसके बाद जो उसमें बोंड बनाने के लिए हम मोटार लगाएंगे, और मोटार लगाने के बाद जो है वो उसके ऊपर हम POP से जो है वो शेप देंगे मोल्डिंग की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हमने मोल्डिंग बनाई थी, POP को हमने जो है वो वेस्ट मटेरियल के ऊपर लगाया, और धीरे धीरे जो है वो जो हमने फर्मा बनाया है, जो फ्रेम बनी है ये, इसकी सहायता से जो है वो हमने मोल्डिंग की शेप दी। तो इस तरह से जो है वो पूरी मोल्डिंग बनाई गई। उसके बाद जब स्लैब कास्टिंग का दिन था तो POP के ऊपर जो है वो हमने ऑयल जो है, शटरिंग ऑयल कह लीजिए या फिर जो है वो इंजन ऑयल जो पुरानी गाड़ियों से निकलता है, आप उसे ले सकते हैं, मार्केट में आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो आप जो है वो उस ऑयल को उस मोल्डिंग के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, आपकी मोल्डिंग के साथ जो है वो कंक्रीट जो है वो नहीं चिपकेगी, और इसका फ़ायदा ये रहता है जब आपकी शटरिंग को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उस दिन शटरिंग से जो है वो वेस्ट मटेरियल और POP बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही शटरिंग को गिराया गया तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल था जो हमने POP के पीछे रखा था मोल्डिंग के साथ जो है वो हमने उस मटेरियल को ऐड किया था POP में, वो सारा का सारा मटेरियल विद POP जो है वो बाहर निकल जाता है आसानी से। और कुछ मटेरियल अगर जो है वहाँ पर रह जाता है तो उसे आप आसानी से जो है वो उसकी सफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मोल्डिंग का डिज़ाइन निकल जाता है, और उसी डिज़ाइन के ऊपर प्लास्टर करके, क्योंकि सरफेस जो है वो उतना स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट जो है वो अच्छे नहीं है, वैसे तो सरफेस जो है वो अच्छा रहता है, लेकिन प्लास्टर करने के बाद जो है वो और भी अच्छी मोल्डिंग लगती है। तो इस तरह से जो है वो मोल्डिंग बनाई जाती है, और अंत में जो है वो प्लास्टर करके कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये थी मोल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी। अगर और भी आप जो है वो मोल्डिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ जो है वो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूल। किसी भी शिकायत के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम आपको जो है वो जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ जो है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फ्रेम है, जो आपका फर्मा है वो किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी शीट उसे बनाया जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसकी जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।